धनबाद में भी ट्रिपल मर्डर के आरोपी आरपीएफ जवान को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल 17 अगस्त को आरपीएफ जवान पवन सिंह ने सर्विस रिवॉल्वर से एक दंपत्ति के घर में घुसकर 5 लोगों को गोली मार दी थी, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 2 लोग घायल हुए थे। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग में पवन ने इस वारदात को अंजाम दिया था। इसके परिवार वाले के यहाँ से ये दूध का कुछ व्यवसाय भी करते थे, तो इनके परिवार वाले के यहाँ से ये दूध भी लेने आने का ये क्रम करने लगा, और उसी में इनकी जो छोटी लड़की थी उसके साथ इसका एफेयर्स हो गया। उसी एफेयर्स को लेकर के ये फिर उससे बातें बढ़ती चली गई, और इसी के बीच में दोनों परिवार के बीच में आपस में कुछ उनके उनके फैमिली के बीच में और इसके बीच में कुछ डिफरेंसेस हुआ है, जिसके रिटेलिएशन में इसने ये कदम उठाया है और सारे लोगों को हत्या करने के लिए ठान लिया, और इसमें से ये कदम उठाया गया इसके द्वारा। और इसके द्वारा जो घटना किया गया उसमें से 3 लोग तो तुरंत उसी दिन डेथ हो गया था, 2 आदमी अभी भी मैंने काफ़ी तकलीफ में है।